अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा सेकंड लेक्चर है किंगडम मुनेरा के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द किंगडम मुनेरा। ठीक है, बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मुनेरा, इसीलिए हम यहां पे किंगडम मुनेरा को समझने के लिए एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल बनाते हैं और देखेंगे इस सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, कुछ बीच में होते हैं इस तरह से। तो देखो, सबसे पहले लेयर ऑफ बैक्टीरिया, या देखो यहां पे जो लेयर्स हैं, लेयर्स ऑफ बैक्टीरिया, या इसको सेल एनवेलोप भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे बेसिकली हमारे पास कितनी लेयर है? थ्री लेयर है। नंबर वन, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं? गैलिको कैलेक्स लेयर। अब ये दो किस्म के होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। मिडिल लेयर को क्या कहते हैं? सेल वॉल, सेल वॉल। और जो इनर जो लेयर होता है यहां पे, इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन सब का अपना अपना फंक्शन होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, इन सब का कंपोजिशन क्या है, फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला जो लेयर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरिया, दैट इज गैलिको कैलेक्स। गैलिको कैलेक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बैक्टीरियल सेल। अब ये गैलिको कैलेक्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। कितने किस्म के होते हैं? दो किस्म के होते हैं। एक होता है स्लैमी, दूसरा होते हैं कैप्सूल। स्लैमी लेयर जो होते हैं, ये स्लैमी लेयर, ये क्या होते हैं? ये बहुत ही थिन होते हैं, पतला होते हैं। और ये दूसरा क्या होते हैं? लूज होते हैं। ठीक है, ये किस चीज का बना होता है? मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, इसका बना होता है। इसी तरह से कैप्सूल्स, जिसमें गैलिको कैलेक्स क्या होते हैं? थिन होता है, सॉरी थिक होता है, यहां पे मोटा होते हैं। यहां पे क्या था? बहुत ही पतला था, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? स्लैमी लेयर कहते हैं। यहां पे मोटा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। दूसरा पॉइंट, ये क्या होते हैं? रिजिड होते हैं, बहुत ही सख्त होते हैं। और थर्ड, ये सख्त क्यों होता है और ये थिक क्यों होता है? क्योंकि ये बना होता है दो मेन कंपोनेंट से। एक है पॉली सैकेराइड्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्लस पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स का बना होते हैं। इसीलिए देखो, जिनमें गैलिको कैलेक्स का लेयर ज्यादा थिक होता है, ज्यादा मोटा होते हैं, जिनको हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, ये ज्यादा पैथोजेनिक होता है, ये ज्यादा डिजीज कॉज करते हैं, एज कंपेयर टू द बैक्टीरिया विच हैज थिन लेयर ऑफ गैलिको कैलेक्स, जिसको हम स्लैमी लेयर कहते हैं, ये लेस पैथोजेनिक होता है। रीजन क्यों? क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज करते हैं। एंटीबायोटिक क्या करते हैं? इसके सेल वॉल को डिजोल्व करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे सेल वॉल के ऊपर एक मोटा सा लेयर है, तो एंटीबायोटिक्स कोई असर शो नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ज्यादा पैथोजेनिक होता है एज कंपेयर टू स्लैमी लेयरिड बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीस गैलिको कैलेक्स लेयर? अब मैं इसको रब करके यहां पर लिखता हूं। फंक्शंस ऑफ दीस गैलिको कैलेक्स लेयर, फंक्शंस। पहला फंक्शन तो इसका होता है प्रोटेक्शन। ये क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को, या इस बैक्टीरिया का जो इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसको क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा, इट हेल्प्स इन क्लोनी फॉर्मेशंस, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो सिंगल नहीं रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप्स में वो कैसे रहते हैं? इस गैलिको कैलेक्स के लेयर के बाहर कुछ सिक्रीशंस होते हैं, जिसकी वजह से एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ चिपक जाते हैं, तो ये क्लोनी फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। और ये बनते कैसे हैं?
फॉर्मेशन इसका कैसे होते हैं, ये गैलेक्सी लेयर बनते कहां से, इट इज फॉर्मेड बाय द सीक्रीशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो इनर मोस्ट का ये जो लेयर है इसकी सिक्रीशन की वजह से यहां पे क्या बनते हैं, गैलेक्सी लेयर बनते हैं। इतना क्लियर है। गैलेक्सी लेयर बेसिकली दो किस्म के होते हैं, एक थिन होता है दूसरा थिक होता है। थिक को हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं, थिन को हम स्लैमी बैक्टीरिया कहते हैं। थिन इसलिए होता है क्योंकि वहां पर सिर्फ पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। थिक इसलिए होता है पॉलीसेकेराइड प्लस पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड मीन्स एमिनो एसिड होता है। ठीक है, अब देखो जो भी बैक्टीरिया जिनमें कैप्सूल प्रेजेंस है वो ज्यादा पैथोजेनिक है, वो ज्यादा डिजीज कॉज करते हैं एज कंपेयर टू द अनकैप्सुलेटेड या नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। रीजन क्यों? क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स मेनली किसको टारगेट करते हैं, सेलवाल को। जब इस सेलवाल के बाहर बहुत बड़ा मोटा लेयर है तो क्या वो एंटीबायोटिक्स इस सेलवाल तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, इसीलिए ज्यादा डिजीज कॉजिंग होते हैं। ठीक है, अब देखो इस गैलेक्सी लेयर का फंक्शन क्या है। बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में आपस में दो तीन एक ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप्स में रहने के लिए उसको एक दूसरे के साथ कनेक्टेड या अटैच्ड रहना पड़ते हैं। इसलिए ये गैलेक्सी लेयर इनको आपस में जोड़ के रखने में, आपस में बांध के रखने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और ये गैलेक्सी लेयर कैसे इसका फॉर्मेशन होते हैं, इसका फॉर्मेशन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ केमिकल को आउटसाइड क्या करता है, सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर इस तरह से क्या बनते हैं, लेयर बनते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द फर्स्ट लेयर ऑफ बैक्टीरियल सेल दैट इज गैलेक्सी। ठीक है, अब देखो सेकंड सेल वॉल। अब देखो सेल वॉल प्लांट्स में भी होते हैं, फंजाई में भी होते हैं और बैक्टीरिया में भी होते हैं, सब मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा में भी होते हैं। अब ये सेल वॉल जो प्लांट्स में होते हैं वो सिल्लोज का बना होते हैं। फंजाई में जो सेल वॉल होते हैं वो मोस्ट ऑफ द कंडीशन में किसका बना होता है, वो बना होता है काइटिन का। लेकिन यहां पे जो सेल वॉल है बैक्टीरिया में जो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं, यहां पे जो सेल वॉल होते हैं वो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लिकैन का बना होता है। या हम इसी पेप्टिडोग्लिकैन को हम क्या कहते हैं, म्यूरिन भी कहते हैं। म्यूरिन और पेप्टिडोग्लिकैन ये एक ही बात है। ठीक है, अब देखो इस पेप्टिडोग्लिकैन का ये क्या है, सेल वॉल जो है पेप्टिडोग्लिकैन का बना है। इस के थिन और थिक के बेस पे हमारे पास दो किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव होते हैं दूसरा ग्राम नेगेटिव। आप लोगों ने सुना हो, ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। वैसे इसको छोड़ दिया तो हमारे पास पेप्टिडोग्लिकैन सेल वॉल जो होते हैं वो पेप्टिडोग्लिकैन का बना होते हैं। और इसका फंक्शन क्या होते हैं, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल इन बैक्टीरिया, इट सिंपली इसका काम होता है प्रोटेक्शन। और इसका फॉर्मेशन कहां से होते हैं, इसका भी फॉर्मेशन कहां से होते हैं, ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना क्लियर है। द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लिकैन एंड इट इज सिंथेसाइज्ड या सिक्रीटेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कहां से बनते हैं, कैसे बनते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिक्रीशन की वजह से। लेकिन देखो एक ऑर्गेनिज्म जो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंस नहीं होते हैं, मैं अब इसको रब करके यहां पर लिखता हूं, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। सेल वॉल सिर्फ एक ही मेंबर में नहीं होते हैं जिसका नाम है सेल वॉल एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बाकी जितने भी मेंबर्स हैं जो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं उन सब में क्या होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंस होते हैं। तो इसके बाद जो यहाँ पे थर्ड जो लेयर है, जो थर्ड लेयर यहाँ पे जो है उसको कहते हैं सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो किंगडम मोनेरा में है ये सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये क्या होते हैं, सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ यू
यूकेरियोटिक सेल, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना चेंजेस है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया के अंदर जो किंगडम मोनेरा से बिलोंग करते हैं, इनके अंदर इस तरह से इनफोल्ड्स होते हैं जिसको हम मीजोसोम्स कहते हैं। इसका अलग फंक्शंस होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।